हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पनीर दो प्याजा बनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या है ये, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है, बट मैं आपको इसका बड़ा वीडियो नहीं दिखा पाई थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये बड़ा वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो खैर, इसमें तैयारी बहुत करनी पड़ती है ना। अच्छा, मैं अकेले तो बना नहीं पाऊंगी, तो मेरी छोटी बहन हेल्प कर रही है, तो उसी की हेल्प से बन रहा है ये सारा कुछ। क्योंकि वेदांत को तो आप लोग जानते हो, बहुत परेशान करता है बीच बीच में। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं। पनीर दो प्याजा की तैयारी ऑलमोस्ट इतनी हो गई है। जैसे प्याज है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, और ये दही है, और ये टमाटर भी कट चुका है। अभी बाकी तैयारी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और प्लीज मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तभी आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों, अभी ये देखो पनीर वगैरह कट रहा है, और प्याज को इस तरह से छील लिया है, निकाल लिया, अलग अलग करना होता है। तो अब पनीर कटेगा, फिर उसके बाद इस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। तो कढ़ाई अभी नहीं चढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये देखो अब मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और अब मैं मसाले वगैरह डालना शुरू करती हूँ। अरे क्या हो गया, अब ये देखो बीच में ये वेदांत, इनको अगर मैं यहाँ ना लाऊं तो ये मुझे खाना नहीं बनाने देगा, तो इनको भी देखना पड़ रहा है मुझे। और साथ में छोटी वाली हेल्प करा रही है मेरी बहन, नहीं तो फिर हो नहीं पाता ये सारे मसाले। अच्छा, खड़े डाल देंगे, लाओ। तो ये खड़े मसाले डाल दिए मैंने। ओह गॉड, इसमें पता नहीं क्या चिटक रहा है मसाले। वेदांत उधर जाओ, ये वेदांत कुछ नहीं करने देता है मुझे। ये देखो, चलो उधर, चलो आओ, आओ चले। चीकू उधर, वो देखो बैठे, चीकू, चीकू शांति से बैठा। अभी वेदांत और चीकू, ये वेदांत और चीकू की दोस्ती नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे को देख के भागते हैं। चलो मैं करूं काम। ये हाँ हाँ बुन गया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा भुनेगा। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। दोस्तों, आप लोगों को शोर शराबा बहुत सुनने को मिलेगा, क्या करें घर पे। अब जब लोग होते हैं और ये मेरा डेली व्लॉग है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, चलती रहती हैं। अच्छा, मैं उसको देखना पड़ेगा, चीकू को, गई है छोटी वाली देखने, वरना फिर ये इधर जल जाएगा। दोस्तों, अब हम इसमें मिर्ची, हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, दही में मसाले ऐड करने हैं आपको। ये हरी धनिया हो गई, ये हो गया इसमें भुना हुआ सौंफ, इसमें हरी भुना हुआ मैंने जीरा डाला हुआ है, और इधर भी मुझे देखना पड़ रहा है, बच्चों को, बच्चा भी देखना पड़ रहा है। अब ये गरम मसाला ऐड कर दिए। तो दोस्तों, ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल दिए, और बाकी हल्दी डालेंगे अब थोड़ी सी, और हाँ थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, गरम पानी डालेंगे, हमने पिघल में गरम कर लिया था पानी। ऐसे गरम कर लेंगे, अब थोड़ी सी रेड मिर्च डालेंगे, वो एक्चुअली पहले डालना था लेकिन हमने बाद में ऐड की, वो इतना सारा काम होता है ना, तो उसमें बीच बीच में हम, वेदांत ने आज बहुत परेशान किया है, आप प्लीज थोड़ा शोर शराबा सुन लीजिएगा। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, वेदांत मेरी गोदी में, तो गोदी में लिए लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, तो छोटी बहन है तो थोड़ी हेल्प मिल रही है।
हेल्प किया, वही कर रही है। मैं तो बस अभी बीच में हमने नमक डाल दिया, ये टमाटर गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही वाला मसाला जो उसमें सब मिला के हमने किए थे। चलाते रहिएगा बीच बीच में थोड़े से। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे जो कि गरम वाटर ही डालना है इसमें। आपको ग्रेवी बनानी, ग्रेवी के लिए ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा, इतना ठीक है। अब हम इसमें इधर बगल में हम ये थोड़ी सी खड़ी धनिया डालेंगे थोड़े से ऑयल में, और पनीर फ्राई करने के लिए। और इधर ये अभी ग्रेवी पक रहा है, ये ऐसे पनीर डाल दिया गया, ये थोड़ा फ्राई होता रहेगा। दोस्तों मैं आपको बीच में दिखा नहीं पाई क्योंकि वेदांत को बहुत नींद आ रही थी, तो मुझे उसको सुलाना पड़ा और चिड़चिड़ हमें कर रहा था। तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि ये पनीर डाल दिया था और फिर बीच में हल्दी डाली गई है और ये प्याज भी डाल दिया गया है। तो इसको ऐसे फ्राई करते रहना है और ये अभी थोड़ा देर फ्राई होगा और ये ग्रेवी इधर जब हो रही है फिर उसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ, तो बने रहिए। तो अब ये ग्रेवी भी रेडी है और वो देखो ऐसा फ्राई हो चुका है, तो अब इसको इसमें ऐड करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, थोड़ा ही फ्राई करना आप लोग भी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट पनीर तो प्याजा किसको नहीं पसंद है, सभी लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूरी पराठा या जो भी है आप लोग चावल राइस वगैरह सब के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। एक्चुअली निशांत को ये बहुत पसंद है पनीर दो प्याजा, तो मैं सोचे चलो आज उनके लिए बना दिया जाए, बहुत दिन से बोल रहे थे वो। जब से मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है ना, वो बड़ी सिस्टर के यहाँ गए थे तो उन्होंने बनाया था, तो मैं उन्होंने तब से ही बोल रखा था कि बनाना है बनाना है, तो मैं आप जाके बना पाई। आप तो जानते हैं एक तो बेबी है उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो छोटी सिस्टर है तो उसके साथ बन पा रहा है मेरा, ये नहीं तो मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे ही पकाते रहेंगे और अब ये पकेगा थोड़ी देर। अब इधर हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लेंगे, फिर उसको ना इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या है ना कि इससे बहुत स्वाद निखर के आता है और अच्छा हो जाएगा स्वाद। ये इसमें हमने कस्तूरी मेथी डाल दी है, ये अब इसमें हम थोड़ी सी मलाई भी ऐड करेंगे, ये देखिए इससे क्या है और स्वाद आएगा। दोस्तों ऐसे ही बनाइए, बहुत अच्छा बनता है पनीर दो प्याजा। ताजी मलाई है, आप निकाल लीजिए, दूध में होती है, तो मैंने अपना दूध हुआ था उसमें ताजी मलाई थी, तो मैंने वो निकाल के उसको फेंट के और डाल दिया। तो दोस्तों ये पूरा रेडी हो गया है पनीर दो प्याजा, अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे और ये पूरा बन चुका है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, खाने में इतना टेस्ट आता है ना जब आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो ये पूरा रेडी हो चुका है, बन चुका है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा पनीर दो प्याजा कैसे बना है मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और बीच बीच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, वेदांत भी रो रहा था, चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन मेरी छोटी बहन थी तो उसने पूरा संभाल लिया, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं किया, ये तो वो उसी ने सारा कुछ किया। अब बच्चे के साथ तो आप लोग जानते हैं कितनी दिक्कत होती है बनाने में। खैर पनीर दो प्याजा रेडी हो चुका है और आप लोग ऐसे ही बना के खाइएगा, बहुत टेस्ट आता है दोस्तों। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर बताएं,
और प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में. ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.